नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके करियर के नंबर गेम की, आपके करियर की और आपके अंक की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म की तारीख तो पता होती है लेकिन साल में कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस साल में पैदा हुआ, 65 में हुआ, 66 में हुआ, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, जन्म की तारीख मुझे पता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म की तारीख तो पता है लेकिन जन्म का समय नहीं पता, स्थान नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल अपनी जन्म तारीख से आप जान सकते हैं कि आपकी शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, आपके पढ़ाई की स्थिति कैसी, आपका करियर कैसा और करियर में सफलता के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपके करियर और आपकी पढ़ाई का पूरा हाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी परिजन का देहांत हो जाता है या किसी मित्र का देहांत हो जाता है और हम बहुत दुखी होते हैं, उस दुख से उबर नहीं पाते। अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है या आप उस दुख से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का निरंतर अगर आप जप करेंगे तो किसी व्यक्ति के न रहने पर जिस तरह का दुख पैदा होता है जीवन में, उस दुख को समाप्त करना आसान होगा। और जब भी आपके मन में दुख का भाव पैदा हो, जब भी आपके मन में पीड़ा का भाव पैदा हो, 2 बार 4 बार 10 बार इस मंत्र को कहिएगा, आपकी दुख आपकी पीड़ा की स्थिति में सुधार होगा। चलिए अपने विषय पर आते हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपकी शिक्षा कैसी होती है, आपका करियर कैसा रहता है और साल 2023 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी जन्म की तारीख का आपके करियर से क्या संबंध है। देखिए, आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेष ग्रह से होता है। जो बेसिक नंबर हैं, मूल अंक हैं, वो कुल मिला के 1 से लेकर 9 तक हैं। उसके बाद 10 या 10 के आगे के जो नंबर हैं वो मूल अंक नहीं हैं, वो कंपाउंड नंबर हैं। तो मूल अंक 1 से लेकर 9 तक हैं और हर अंक का संबंध एक विशेष ग्रह से है। उस ग्रह से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से निर्धारित होता है। अगर आपका नंबर 1 है तो आप सूर्य से प्रभावित रहेंगे जीवन भर। अगर आपका नंबर 6 है तो आप पूरी तरह से जीवन में शुक्र से प्रभावित रहेंगे। तो जिस तरह का नंबर है आपकी जन्म की तारीख का, उस तरह का ग्रह पूरी तरह से आपके जीवन को निर्धारित करेगा और उसी ग्रह से संबंध रखता हुआ करियर व्यक्ति आम तौर पर अपने जीवन में चुनता है। जिस तरह के नंबर का, जिस तरह के अंक का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव होता है, वैसे ही करियर की तरफ आप जाते हैं या वैसे ही करियर का चुनाव करते हैं। अगर उसके विपरीत दिशाओं में करियर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है। यानी अगर आपका अंक कहता है कि आपको व्यापार करना चाहिए और आप नौकरी करने लगते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। यानी जिस तरह के करियर का इशारा होता है उस तरह के करियर की तरफ जाना चाहिए। अलग अलग वर्षों का और अलग अलग महीनों का भी अंक होता है। जैसे मान लिया 2023 का अंक है 7 और 2023 में अप्रैल का अंक है 4, तो 2023 में अप्रैल का जो अंक है वो हो जाएगा 2, क्योंकि वो हो जाएगा 11। तो अलग अलग वर्षों और अलग अलग महीनों के अंक होते हैं और इन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है।
यानी अगर हम बहुत गहराई से समझना चाहें तो केवल आपकी जन्म की तारीख से जान सकते हैं कि किस साल में आपका करियर कैसा रहेगा और किस साल के किस महीने में आपको सफलता मिलेगी और किस साल के किस महीने में आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। तो अगर आपको अपने जन्म का साल नहीं पता है, जन्म का समय नहीं पता है, कोई बात नहीं, केवल जन्म की तारीख के आधार पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। बात करते हैं नंबर एक की, वन नंबर की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो इसको जोड़ करके देखिए, इसका नंबर आता है एक, यानी ये एक नंबर वाले लोग हैं। और एक नंबर वालों का संबंध होता है सूर्य के साथ, यानी जिनकी भी जन्म तारीख का जोड़ टोटल एक आता है उनका संबंध होता है सूर्य से। इनकी शिक्षा में सामान्य रूप से बाधाएं आती ही हैं। आम तौर पर आप देखेंगे कि एक अंक वालों की शुरुआती शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जो मिडिल एज की शिक्षा है, जो मध्य की शिक्षा है, आमतौर पे 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। यानी मध्य में शिक्षा प्राप्त करने में इनको दिक्कत होती है। अगर आपका नंबर एक है तो आपके लिए शासन का क्षेत्र, प्रशासन का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र आपको फायदा पहुंचा सकता है। इन क्षेत्रों में सफलता पाने की संभावना आपके लिए ज्यादा होती है। अगर आपका अंक एक है तो आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, आप विद्यालय के अध्यापक बन जाएं या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बन जाएं, जिस भी क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। लीडिंग कैपेसिटी, नेतृत्व करना एक अंक वालों के पास जरूर होता है। इसलिए अगर ये छोटी जगह पे भी रहेंगे तो वहां पे भी चीजों को कंट्रोल करेंगे, नेतृत्व करेंगे, इसकी संभावना रहती है। जीवन के आरंभ से ही इनके करियर की शुरुआत हो जाती है, यानी आम तौर पे एक अंक वालों का करियर उम्र के 18-20 साल से ही शुरू हो जाता है। करियर इनका थोड़ा जल्दी शुरू होता है। अब करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपका जो भी करियर हो, अगर अंक एक है आपका और आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो, तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह एक लोटा जल भगवान सूर्य को समर्पित करें, सूर्य देव के मंत्र का जप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोज सवेरे ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी आप अगर करियर में किसी भी तरह की मुश्किल से परेशान हैं और आपका अंक एक है तो सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल 2023 में अगर हम देखें तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, इसलिए साल 2023 में सूर्य की निरंतर पूजा करने से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपकी जन्म की तारीख है महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बेसिक नंबर है, आपका जो मुख्य नंबर है वो है 2। और अगर आपका मुख्य नंबर 2 नंबर है तो आपके करियर से इसका क्या संबंध है? देखिए, 2 नंबर वालों का संबंध होता है पूरी तरह से चंद्रमा के साथ, मून के साथ। अगर आपका नंबर 2 है तो आपका जो मुख्य ग्रह है, आपका जो मुख्य प्लेनेट है, वो ग्रह है चंद्रमा। और ये काफी परिश्रम से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं।
आम तौर पे दो अंक वालों की शिक्षा अच्छी होती है, लेकिन बीच में एक बार झटका जरूर लगता है। तो ये बहुत परिश्रम करते हैं तब जाकर के इनकी शिक्षा पूरी होती है, ऐसा देखा गया है। मेहनत के बाद ही शिक्षा इनकी पूरी हो पाती है। अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो दो अंक वालों के लिए कला का क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, नेवी का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र और खान पान का जो क्षेत्र है, खान पान का जो फील्ड है, वो इन्हें सूट करता है। ये बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं। अगर हम करियर में इनके गुण देखें कि करियर में इनके गुण क्या हैं, करियर में इनकी ताकत क्या है, तो अंक दो वाले बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं और कठिनाइयों को सरलता से सुलझा लेते हैं। दो अंक वाले अगर किसी भी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, आप इनसे बात करके देखिए तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं सुलझ गई हैं, क्योंकि ये कठिन से कठिन समस्या को सुलझा लेते हैं और कठिन से कठिन स्थिति को पार कर जाते हैं अपनी मेहनत की वजह से और अपनी बुद्धि की वजह से। आम तौर पर करियर की शुरुआत में इनको विलंब होता है, थोड़े समय तक, शुरू में लगभग 23-24 साल की उम्र तक करियर शुरू करते हैं, फिर ब्रेक होता है और फिर 28-30 के बाद जो करियर होता है वही करियर इनका लंबे समय तक चलता है। तो आम तौर पर करियर की शुरुआत में इनके लिए विलंब की संभावना बनती है। अगर आपका नंबर दो है और आप चाहते हैं कि आप करियर में सफलता पा सके, करियर में आपको सफलता मिले, तो इसके लिए भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। रोज सुबह एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें और रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से करियर की जो भी बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। साल 2023 में आपको अपने करियर में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। इस साल में आप अपने करियर में बड़े बदलाव जरूर करेंगे और अगर ये बड़ा बदलाव होता है इस साल में आपके करियर में, तो ये बड़ा बदलाव आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। बात करते हैं नंबर तीन की, यानी अंक तीन की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है या 30 तारीख है, 3, 12, 21 या 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो मुख्य अंक है वो अंक है 3। आपके अंक का सीधा संबंध होता है बृहस्पति के साथ, जुपिटर के साथ, और 3 अंक वालों को सामान्यतः अंक ज्योतिष में बुद्धिमान और ज्ञानवान माना जाता है। इसलिए अंक 3 वालों के शिक्षा की स्थिति और बुद्धि की स्थिति हमेशा अच्छी रहती है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म में, कानून में, मीडिया में और सलाहकारिता में, कंसल्टेंसी काउंसलिंग के क्षेत्र में लाभ होता है। 3 अंक वाले ज्यादातर सामान नहीं बेचते, अपनी स्किल बेचते हैं, अपना दिमाग बेचते हैं, अपनी सलाह बेचते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बड़े वकील या बहुत अच्छे अच्छे बड़े सलाहकार आपको 3 अंक वाले दिखाई देंगे। ये अपनी स्किल से पैसा कमाते हैं, अपनी वाणी से पैसा कमाते हैं, सामान बेचकर पैसा नहीं कमाते हैं। अब करियर की अगर बात करें तो करियर की शुरुआत में लगभग उम्र के 28-30 साल तक इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उम्र के 30 साल तक इनका संघर्ष ज्यादा रहता है और आम तौर पर
30 वर्ष के बाद इनका करियर ज्यादा बेहतर शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। उम्र के जब 30 वर्ष इनके पूरे हो जाते हैं तब इनके करियर में सफलता की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका अंक 3 है तो आप भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 3 अंक वालों को मैं बता दूं कि आप रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपका करियर अच्छा रहेगा। साल 2023 में आपका करियर भी बदलेगा और जिस स्थान पर नौकरी करते हैं, जिस एरिया में नौकरी करते हैं, वो एरिया भी, वो स्थान भी आपका बदल जाएगा। अब हो सकता है आप दिल्ली में नौकरी करते हो, आप गुड़गांव चले जाएं, आप दिल्ली में नौकरी करते हो, बेंगलोर हैदराबाद चले जाएं। यानी साल 2023 में करियर में बदलाव करेंगे और करियर में बदलाव के अलावा आपके स्थान में भी बड़े परिवर्तन होंगे, ये संभावना दिखती है। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है, तो आपका जो मुख्य नंबर है, आपका जो बेसिक अंक है, वो है 4। 4 नंबर को अंक ज्योतिष में सर्वाधिक रहस्यमयी अंक माना जाता है। ऑकल्ट पावर के साथ इनको हम सब मानते हैं। इस अंक का जो स्वामी है वो है राहु, इसलिए 4 अंक वालों का संबंध होता है राहु के साथ। आम तौर पर शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहता है, शिक्षा लगातार स्मूथली नहीं चलती। हाँ, रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं और उसमें भी बाधाएं बहुत आती हैं। कभी कभी घर की जिम्मेदारियों की वजह से भी इनके लिए पढ़ाई कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पढ़ाई करी इंजीनियरिंग की और काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट का। पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट की और नौकरी कर रहे हैं टीचिंग की। पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अक्सर इनका करियर अचानक से जीवन में सामने आता है और अचानक से उस करियर को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब 4 अंक वालों के लिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्योतिष और मार्केटिंग के क्षेत्र उत्तम होते हैं। जिन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी हो, जिन क्षेत्रों में रहस्य हो या जिन क्षेत्रों में चीजों की गहराई तक जाना होता हो, ऐसे क्षेत्र इनको ज्यादा सूट करते हैं। सामान्यतः कम आयु से करियर शुरू हो जाता है इनका। आमतौर पे 4 अंक वालों का करियर उम्र के 22-23 साल के आसपास से शुरू होता है और वहां से ये पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर आपका अंक 4 है तो 4 अंक के बारे में तो ये जान लीजिए कि 4 अंक वालों का जीवन कभी सीधा नहीं चलता, वो हमेशा उतार चढ़ाव के साथ ही चलता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो उनकी जिंदगी हो। तो अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं और आपका नंबर 4 है तो भगवान शिव की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। जितना संभव हो रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और सुबह के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल 2023 में करियर में अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं कि मैं अब नौकरी छोड़कर व्यवसाय करूंगा या मैं ये व्यवसाय बंद करके कोई और काम करूंगा, कोई बहुत बड़ा निर्णय अगर साल 2023 में आप लेने जा रहे हैं तो उसको लेकर के सावधान रहिएगा।
बहुत सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 5 तारीख है, 14 तारीख है या 23 तारीख है, तो आपका जो मुख्य अंक है वो है 5, 5। 5 अंक का जो स्वामी है उसे कहते हैं बुध यानी मरकरी। 5 अंक वालों का जो स्वामी होता है, 5 अंक पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है बुध। आम तौर पर इनकी शिक्षा मध्यम रहती है, इनकी शिक्षा एवरेज होती है, पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, एवरेज विद्यार्थी होते हैं। 5 अंक वाले पैसे को जानने में और पैसे को समझने में बड़े मास्टर होते हैं। कितना पैसा कहां से लाना है और कितना पैसा कहां पर खर्च होगा इसको लेकर के बहुत अलर्ट रहते हैं। तो 5 अंक वालों के लिए बैंक का क्षेत्र, फाइनेंस का क्षेत्र, मार्केटिंग का क्षेत्र और कॉमर्स का क्षेत्र इनके लिए उत्तम होता है। जहां पर पैसे रुपए का लेन देन होता हो पहले नंबर पे, या दूसरे नंबर पे जहां पर चीजों को मैनेज किया जाता हो, जहां पर चीजों का मैनेजमेंट देखा जाता हो, ऐसे क्षेत्र इनके लिए बहुत उत्तम होंगे। और 5 अंक वाले भी 2 अंक के जैसे बड़े अच्छे मैनेजर होते हैं, तो हर तरह की स्थिति को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। इनका करियर शुरुआत में कुछ और होता है, शुरुआत करते हैं किसी छोटी नौकरी से, किसी छोटे कारोबार से, और बाद में अपना करियर बदल करके ये अच्छी जगह पे जाते हैं। आम तौर पे उम्र के 24-25 साल से इनका करियर शुरू होता है और उसके बाद इनके सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। 5 अंक वाले पढ़ाई में सामान्य होते हैं लेकिन करियर के मामले में बड़े मजबूत होते हैं। अगर आपका नंबर 5 है, अंक 5 है, तो करियर में सफलता के लिए भगवान गणेश की उपासना करें, बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। साल 2023 में ये एक साथ अलग अलग बहुत सारे काम करने का प्रयास करेंगे और वो इनके लिए बेहतर होगा। छोटे छोटे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं, इसकी संभावना इनके लिए बनती है। अंक 6 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख है, 15 तारीख है या 24 तारीख है, तो आपका मुख्य अंक है 6। 6 अंक का जो स्वामी है वो है शुक्र यानी वेनस। 6 अंक का संबंध होता है शुक्र के साथ। शिक्षा के मामले में ये काफी परिवर्तन करते हैं। शुरुआत में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी में सिलेक्शन नहीं होता, टीचिंग में आ जाते हैं, या शुरुआत से सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वहां सिलेक्शन नहीं होता, किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी टारगेट कुछ और होता है, परिणाम कुछ और होते हैं। शिक्षा के मामले में बार बार परिवर्तन करते हैं और तब जाकर एक क्षेत्र में रास्ता बना पाते हैं, और आमतौर पर इनका रास्ता बनता है उम्र के 28-30 साल के आसपास या इनके विवाह के बाद। अगर आपका नंबर 6 नंबर है तो आपके लिए फिल्म, मीडिया, चिकित्सा, रसायन यानी केमिकल, आभूषण, सौंदर्य और शिक्षा का क्षेत्र उत्तम रहेगा। इनसे संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कोशिश करें तो लाभ होने की संभावना जरूर बनेगी। खास तौर से अगर 6 अंक वाले मीडिया में, फिल्म में, क्रिएटिविटी के सेक्टर में, लिखने में, म्यूजिक में अगर जाएं
तो सफलता इनको जल्दी और ज्यादा मिल पाती है। करियर इनका जल्दी शुरू होता है, आमतौर पे 24 साल के आसपास करियर शुरू हो जाता है, लेकिन ये सफल होते हैं ज्यादातर उम्र के 30 वर्ष के बाद। अगर आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं और आपका नंबर है 6, आपका अंक है 6, तो मां लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए फायदेमंद होगा। रोज लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और याद रखिए, लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो साथ में भगवान गणेश की या भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करिएगा, वो आपके लिए जरूरी होगा। साल 2023 में पक्के तौर पर आपके करियर में परिवर्तन होगा, प्रमोशन, अप्रेजल, इंक्रीमेंट होने की संभावना है और इस साल में आप स्थान बदल करके किसी नई जगह पर जाकर के रहने का, किसी नई जगह पर जाकर के काम करने का विचार कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, तो आपका जो बेसिक नंबर है, आपका जो मुख्य नंबर है, वो है 7। और 7 का संबंध होता है केतु के साथ। सामान्यतः 7 अंक वाले पढ़ाई में बड़े ब्रिलियंट नहीं होते, एकेडमिक्स जो है, पढ़ाई का जो मामला है, वो इनके लिए साधारण होता है, मध्यम रहता है। लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं। डिग्री और पढ़ाई साधारण होती है, लेकिन बुद्धिमान बहुत और क्रिएटिव बहुत होते हैं। किस पुरानी चीज को नए तौर से कैसा कर देना है, या नए नए आइडियाज आना, नई नई सोच विचार आना, या चीजों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, ये 7 अंक वाले जानते हैं। आपके लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र, तकनीक, मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, फिलॉसफी यानी दर्शन या यात्राओं का क्षेत्र अच्छा होता है। 7 अंक वाले लिखते बहुत अच्छा हैं। अगर इनको थोड़ा गाइड किया जाए तो बड़ी अच्छी किताबें, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्टोरी, ये सब लिख सकते हैं। और बड़े अच्छे फिलॉसफर भी होते हैं। अगर इनका इंटरेस्ट दर्शन शास्त्र में चला गया, फिलॉसफी में चला गया, गीता का अध्ययन करने लगे, तो आप समझिए कि इनका जीवन बदल जाता है। लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि एक जगह पर टिक करके नहीं रह पाते। बहुत जल्दी इनको बोरियत होने लगती है कि 5 साल से एक जगह नौकरी कर रहा है, नौकरी बदल लो। तो 7 अंक वाले इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सही दिशा मिले तो तरक्की भी काफी करते हैं। करियर में इनके आप देखेंगे 7 अंक वालों के कि हर 4-5 साल में इनके या इनके जीवन साथी के करियर में उतार चढ़ाव जरूर आता है। ऐसा इंटरवल के साथ फिक्स होता है, आता जाता रहता है, ऐसा देखा गया है। एक समय के बाद अपना काम करना पसंद करते हैं, बहुत समय तक नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते। कुछ समय तक, लगभग उम्र के 34-35 साल तक आप इनको देखेंगे कि ये नौकरी करेंगे या किसी के अंडर में काम करेंगे। 34-35 साल के बाद ये अपना काम करना पसंद करते हैं और अपना काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए। जब भी मौका मिले, किसी भी जगह जा रहे हैं, वहां शिव जी के दर्शन करते रहिए, क्योंकि आप यात्राएं बहुत करते हैं तो हर स्थान पर जो पवित्र शिव मंदिर है उसमें दर्शन करते रहिए। साल 2023 में आपको करियर में हर तरह की सफलता मिल सकती है। साल 2023 आपका ही साल है, तो करियर में आपको आउट ऑफ टर्न, बिना किसी प्रयास के सफलता मिलेगी, ये संभावना दिखती है। बात करते हैं अंक 8 की।
अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मुख्य अंक है 8 और 8 के स्वामी होते हैं शनि, यानी आपके जन्म की तारीख का संबंध है शनि के साथ। 8 अंक वालों की शिक्षा अच्छी होती है और बहुत सारी पढ़ाई बहुत लंबे समय तक ये करते ही रहते हैं, लेकिन रुक रुक कर पढ़ाई कर पाते हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, 6 महीने नौकरी की, फिर कोई डिप्लोमा कर लिया, फिर 1 साल नौकरी की, फिर कोई और कोर्स कर लिया, तो शिक्षा की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन रुक रुक कर और टूट टूट कर शिक्षा इनकी हो पाती है। अक्सर देर होती है पढ़ाई में, लेकिन जो मनचाही शिक्षा ये चाहते हैं, जिस तरह की पढ़ाई करना ये चाहते हैं, वो पढ़ाई ये निश्चित रूप से कर ले जाते हैं, वो पढ़ाई इनकी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। 8 अंक वालों के लिए फैक्ट्री का काम, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, शिक्षा और कानून के क्षेत्र आपके लिए उत्तम होते हैं। अब 8 का अंक शनि का अंक होता है, तो 8 अंक वालों के साथ एक बात समझिए कि ये कोई भी नौकरी करते हैं, इनको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, दूसरों का काम भी अपने सर पे ले लेते हैं, दूसरों की जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं, इसलिए आप ज्यादातर देखेंगे 8 अंक वालों को कि वो 2 घंटा ऑफिस में ज्यादा बिताते हैं, क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करने के आदी होते हैं। दूसरा यह है कि 8 अंक के साथ एक बात बड़ी प्रोमिनेंट होती है कि 8 अंक वाले उम्र के 40 साल से लेकर 60 साल तक जीवन में ज्यादा सफलता पाते हैं, इस उम्र में सफलता की संभावनाएं सर्वोत्तम होती हैं, और 8 अंक वाले अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से जितना दूर जाएं, करियर उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। जैसा पहले बताया कि करियर की शुरुआत इनकी जल्दी होती है, 22 साल की उम्र में आमतौर पर करियर शुरू होता है, लेकिन करियर में सफलता पहली मिलती है 30 साल की उम्र में और दूसरी सफलता मिलती है 39-40 साल के बाद। अब अगर आपका नंबर 8 है, आप 8 के अंक से प्रभावित हैं, तो करियर में सफलता के लिए आपको शनि देव की उपासना करनी चाहिए रोज शाम को 108 बार। अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा लग रहा है कि साल 2023 में आप अपने पुराने करियर को छोड़ करके, पुराने करियर को त्याग करके नए करियर की शुरुआत कर पाएंगे। बात करते हैं अंतिम मूल अंक की, जो है 9 नंबर। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है, तो आपके ऊपर जिस ग्रह का प्रभाव है वो ग्रह है मंगल। आपकी जन्म की तारीख का संबंध है मंगल के साथ और 9 अंक वालों की शिक्षा की स्थिति मध्यम रहती है, एवरेज होती है पढ़ाई लिखाई इनकी। आम तौर पर कुछ अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में चले गए, परिवार में सब इंजीनियर हैं, अपने आर्ट के फील्ड में चले गए, या परिवार में सारे लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, अपने टीचिंग में चले गए। कुछ अलग तरह की, कुछ हट करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसा देखा गया है। 9 अंक बड़ा ऊर्जावान अंक है, बड़ी ताकत होती है 9 अंक के पास, मंगल की अपूर्व शक्ति होती है, इसीलिए 9 अंक वाले अगर सेना में जाएं, पुलिस में जाएं, प्रशासन में जाएं, फैक्ट्री का, जमीन का काम करें या ऐसा काम करें जहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती हो, तो वो क्षेत्र इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। 9 अंक वालों को एक बात समझनी चाहिए कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर आपका वर्चस्व कायम रहे, क्योंकि 9 अंक वाले किसी के अंडर में नहीं रहेंगे
और अगर रहेंगे तो अपने बॉस के ऊपर सवार हो जाएंगे। ये कहीं भी रहें लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं। इनके अंदर वो ताकत है, वो खूबी है कि जो काम कोई नहीं करवा सकता 10 लोगों से, वो काम 9 अंक वाले समझा के बुझा के दबाव बना करके वो काम करवा लेते हैं। करियर की शुरुआत इनकी काफी कम उम्र से हो जाती है। 23 साल की उम्र में इनका करियर या 24 साल की उम्र में इनका करियर शुरू हो जाता है। तो 9 अंक वाले बड़े ऊर्जावान हैं, लेकिन 9 अंक वालों के करियर की एक बड़ी मुश्किल यह है कि ये किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते और इसी वजह से इनकी नौकरी में ईगो क्लैश या बाधाएं आती रहती हैं। अगर आपका अंक 9 का अंक है तो आप अपने करियर में सफलता के लिए हनुमान जी की उपासना करिए। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा तो घर घर में बचपन से हम करते आ रहे हैं। हनुमान चालीसा सुबह शाम एक एक बार पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल 2023 में करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नौकरी बदलूंगा या नौकरी छोड़ करके मैं व्यापार में जाऊंगा, ऐसा कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आएंगे। जैसा आपका करियर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसको उसी तरह से चलने दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अलग अलग अंकों के माध्यम से आपने समझ लिया कि आपका करियर कैसा हो सकता है। करियर के बारे में कुछ अंकों के टिप्स आपको देते हैं, कुछ नंबर के टिप आपको देते हैं, जिन नंबरों का प्रयोग करके आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको नौकरी में या करियर में पैसे की दिक्कत आ रही हो या पैसे की समस्या आ रही हो, तो एक सफेद कागज पर, व्हाइट पेपर पर गुलाबी रंग से 6 यानी 6 लिख करके अपने पास रखना शुरू कर दीजिए और इस 6 नंबर को हर साल में बदलते रहिएगा, बढ़िया रहेगा। अगर आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो और नौकरी में परिवर्तन ना हो पा रहा हो, तो आप एक नीले कागज पर या सफेद कागज पर ही सही ब्लैक पेन से या ब्लैक नंबर से 8 लिखिए, 8, और इसको अपने पास रखना शुरू करिए। आप नौकरी में बदलाव भी कर पाएंगे और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो 8 के अंक के प्रयोग से आपको नौकरी मिल जाएगी। तीसरा नंबर है, अगर आप प्रमोशन चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको उच्च पद की प्राप्ति हो, तो आप एक सफेद कागज पर लाल रंग से लिखिए 19 और इस नंबर को अपने पास रखिए साल भर के लिए। यह आपको करियर में उच्च पद देने में, करियर में सफलता दिलाने में आपकी सहायता करेगा। और सबसे कीमती नंबर अंक ज्योतिष का है नंबर 24। जीवन में अगर करियर से संबंधित या वैसे भी अगर कोई मुश्किल है, आप एक सफेद कागज पर या गुलाबी कागज पर 24 लिख करके रखें, और सफेद कागज पर अगर 24 लिख करके रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। 24 का नंबर बहुत मैजिकल नंबर है, वो जीवन के संघर्ष को घटा देता है और जीवन में सफलता की मात्रा बढ़ा देता है। तो अगर आप व्हाइट पेपर पर पिंक कलर से 24 लिख करके रखते हैं अपने पास, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके पैसे के मामले में, आपके करियर के मामले में और आपके सफलताओं के मामले में शुभ तरीके से जरूर पड़ेगा। तो आने वाला समय आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और अंकों के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।